खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय आत्मन, आज 12 अप्रैल 24 हो गया। आज नवरात्र का चतुर्थ दिन, अब 4 दिन ही रह गया है। यह समझ लो, जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती है, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा में बर्बाद मत करो। खुश रहिए और दूसरों को भी खुशी रखिए, इसी में आपका भला है, औरों का भी भला है। हम लोग इतने जिंदगी को बिस्किमती कीमती जिंदगी, जिसको रामायण में तुलसीदास बार बार कहते हैं, सुर दुर्लभ मनुष्यतन है, और उस देवताओं के जो दुर्लभ देवता लोग भी चाहते हैं, जानते हो मनुष्य शरीर को पाने के लिए कौन कौन आकांक्षी रहते हैं, कौन कौन? ऋषि, मुनि, जति, क्या नाम है, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, देवता, ये सब लोग जो हैं मनुष्य जन्म पाने के लिए ललायित रहते हैं। और बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, ये कहते हैं बड़े भाग से तुमको यह मनुष्य शरीर मिल गया है, जो देवता जिसको चाहते हैं उनको नहीं मिल रहा है, वो तपस्या कर रहे हैं कि मनुष्य तन मिल जाए, और उस मनुष्य तन को मिल करके हम लोग यहाँ पर फिर इस शरीर को काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या झगड़ा तगड़ा मार पीट पचार केसरी केस मुकदमा कोर्ट कचहरी, इसे बदला लो उससे बदला लो, उसमें अपने को बर्बाद कर देते हैं। जब यह चले जा चलना होता है तो पश्चाताप हमारे सामने रिपोर्ट आ जाता है, पूरा रिपोर्ट, तुमको क्या करने आया था, क्या करने लगा, आए थे हरि भजन को उठन ले कपास, आया तो था आपको पूर्ण जीवन को निभाने के लिए, पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अल्पत्व भी नहीं प्राप्त किया, कहाँ फंस करके अपने को जा रहा है। तब फिर हम लोगों का जो है मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, फिर हम निम्न जोनी में गिर जाते हैं। इसे समझो या समझ जाना चाहिए नवरात्र में कि जिस हम पूर्णत्व के लिए आए हैं उसमें हम लगे कि नहीं लगे। देखो, गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष बेविचार, गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष बेविचार, ते नर 84 भ्रमही जब लग चंद्र दिवाकार। एक मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें तू गुरु धारण करता है। गाय गुरु धारण करेगी? भूत करता है? भूत भूत प्रेत धारण करेगा? देवता और राक्षस को थोड़ा सा आंशिक छूट दी गई, वो भी गुरु ही नहीं, पुरोहित। गुरु का केवल मनुष्य जीने में है छूट। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंदो खड़े काको लागू पाँव, बलिहारी गोविंद आपन बलिहारी गुरु आपन हो गोविंदी हो मिला है। जब तुम लोग साधना के क्षेत्र में हो, जब आज्ञा चक्र से ऊपर चलता है, ये हम ही कहते हैं, फिर कहेंगे तो सब जान ही जाएगा। बस अब समझो, तब गुरुद्वार दिखाई पड़ता, गुरु वहाँ रहता है। जो गुरु बाहर देखते हुए हर, अब समझ गए कि सब देवता देवी दक्षिणायन है, यहाँ से नीचे दक्षिण है, गुरु उच्चतम स्थान पर है, उच्चतम स्थान पर, बिटवीन द योर सोल एंड गॉड, ऑलमाइटी गॉड बीच में बैठा है। इसीलिए गुरु नानक देव जब वहाँ पर देखे और जब ऊपर गए तो गुरुद्वार खुला, गोविंद से प्राप्त हुए, तो वहाँ पर वही कहते हैं, उनके मुँह से निकला वाह वाह वाह। जब उनका आँख खुला तो बाला मर्दाना वहीं बैठा था, वो कहने लगा वाहे गुरु वाहे गुरु। सरदार लोग कहता है ना वाहे गुरु, क्यों जी? बाला मर्दाना, नानक देव ने पूछा
वाहे गुरुदेव वाहे गुरु तो क्यों कह रहे थे? गुरु जी आपने वाह वाह कहा तो हम वाहे गुरु कह रहे हैं। फिर गुरु नानक देव जी रिवाइक गए, अपने ध्यान में गए तो देख रहे हैं कि हम तो गुरुद्वार में प्रवेश किए। गुरु इज नॉट ए वॉल बट ए काइंड ऑफ डोर बाई व्हिच यू विल इंटरगेट द गॉड। जब तुम्हारी साधना की प्रकाष्ठा होती है तो तू उस गुरु के द्वार पर पहुंचता है और गुरु द्वार बन जाता है, दीवार नहीं बनता, गुरु द्वार बन जाता है और तुम जो है गोविंद से मिल लेते। लेकिन अब हम लोग क्या किए, दीवार बना लिए, दीवार बना लिया ना, कहा कि गुरुद्वारा गुरुद्वारा है कि गुरु दीवार बन गया, वाल बन गया, बोलो। उसी तरह से हम लोग परमात्मा को मंदिर में जाते हैं तो हम लोग भी यहाँ पर एक दीवार बना लिए, फिर कहे परमात्मा इसमें बैठा है। परमात्मा कहीं नहीं कहा जा रहा कि तुम्हारे मंदिर में बैठा है। अर्जुन भी भगवान कृष्ण से पूछता है कि परमात्मा कहाँ है, वेयर इज द गॉड, क्या पता है भगवान? सर्वभूतेषु हृदय देशे तिष्ठत अर्जुन, सब भूतों में मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। कभी नहीं कहा है कि फलाना मंदिर फलाना मस्जिद फलाना गुरुद्वारा में रहता हूँ। वी हैव क्रिएटेड, हमने क्रिएट कर लिया है, बना लिया अपने से। अब मनुष्य जो बनाता है उसमें स्वयं मनुष्य बैठ जाता है और परमात्मा जो बनाता है उसमें स्वयं परमात्मा बैठ जाता है। मनुष्य जो है पत्थर का मंदिर बनाता है उसको में अपने बैठता है, जब इच्छा होगा बैठता है, ताला चाबी खोलता है, फिर चाबी बंद करके भगवान को चल देता है। अब परमात्मा जब तुमको बनाता है तो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठ जाता है। तो मनुष्य सदा जो है अपने बनाए हुए की पूजा करता है, परमात्मा के बनाए हुए को देखता नहीं। तब कबीर साहब जो कहते हैं कि उसी बात को कबीर साहब कहते हैं गुरु गोविंद, जब वहां देखते हैं तो जब आत्मपद से ऊपर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि गुरु दिखाई पड़ जाता है, गोविंद भी है। तो गुरु जी क्या करेंगे अब, ठीक ठीक सदगुरु क्या करता है, इशारा करता है जाओ भाई तुम्हारा हमारा काम हो गया। कोई भी भारतीय सभ्यता परंपरा में भारतीय परंपरा में कोई लड़की को अपने बड़े प्रेम से पढ़ा पालता है, जितना दुल्हा का कीमत नहीं होगा उससे ज्यादा उसको अपने लड़की को पढ़ाने में लिखाने में खर्च हो जाता है। और देश को तो नहीं जानते हैं, पूर्विया को जानते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार तीन का छह राष्ट्र स्टेट बन गया, वहाँ बचपन से लड़की को बाप पढ़ने के संग जाएगा पढ़ाने, फिर स्कूल से लेकर आएगा। काजी बात है कि नहीं, यदि बाप नहीं जाएगा तो उसके पीछे पीछे उसका भाई बड़ा जाएगा, छोटा भाई लेकर आएगा। अब बताओ तो कितना खर्च लगा, बोलो, यदि जोड़ दिया जाए दूल्हा घालू में हो जाएगा। तो माने भारतीय इस तरह से, लेकिन वह क्या करता है बाप, इतने प्रेम से लड़की को पढ़ाता है, अपना सर दाव पर लगा देता है, एक दिन छोड़ता नहीं है। भारतीय परंपरा में कहता है यदि लड़की बच्ची है तो पिता का उंगली पकड़कर चलती है, जवान हो गई तो पति का उंगली पकड़कर चलती है, वृद्ध हो गई तो पुत्र का उंगली पकड़ लेती है। भले अब दिल्ली के वासी से गलत कहे, बैक ओल्ड बैक डेटेड कहे, लेकिन हमारे यहाँ जो भारतीय परंपरा यही, इज इट करेक्ट? तो चलो, तो उस जब लड़की को पालता है, लेकिन किस दिन के लिए पालता है, कि लड़की का कन्यादान करता है। अब कन्यादान दे करके जिस दिन उसको पालकी में बैठाकर विदा करता है बाप, फूट फूट कर रोता है और विदा भी करता है, खुश भी होता है। माने कन्यादान देकर विदा करने में ही पिता अपने इतना दिन के पढ़ाए लिखाए खर्च किए, लड़की के वजन भर पैसा भी खर्च करके प्रसन्न हो जाता है। गुरु भी इसी दिन के लिए अपने शिष्य को डांटता है, फटकारता है, पढ़ाता है, लिखाता है, साधना कराता है और उसको पात्र बनाता है। जो वह पात्र बन जाता है तो वह भी परमात्मा रूपी, परमात्मा जो है शब्द पुलिंग है, आत्मा स्त्रीलिंग है, तो उस परमात्मा से आत्मी की शादी करा करके और उसको भी धक्का देकर शांत हो जाता है। चला रामानंद जी यही इशारा कर रहे हैं
अब उधर जाओ, हमारे से काम कटप 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 इशारा कर रहे हैं, इशारे इशारे में बात हो रही है। कबीर साहब कह रहे हैं कि ना, भी इशारा कर रहे हैं ना, नानक रामान जी कह रहे हैं नहीं नहीं जाओ जाओ हमारा काम हो गया। कथन कहें कि अरे पगले, तब उनके मुंह से निकला गुरु गोविंद तो दोनों खड़े हो गए, यहाँ की घटना है। अब समझा, तू लोग को अर्थ नहीं समझता, यहाँ की घटना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कबीर की उक्ति को समझना होगा तो किसी कबीरपंथी के नज़दीक जा करके जो साधना में बहुत उत्प्रेरित है, उत्प्राण को प्राप्त किया है, वह उनकी उक्ति को खोल देगा। नहीं तो तू हिंदी की डिक्शनरी में खोलते रहो कहीं मिलेगा नहीं। गुरु यहाँ की घटना है, चरमोत्कृष्ट घटना है। गुरु गोविंद खड़े कहते हैं कि दोनों खड़ा है, काको लागू पाओ इशारा, लेकिन कहते हैं कबीर सभी सर ना। तब गुरुदेव बलिहारी आपनो, आपकी बलिहारी है ना, गोविंदियों मिलाए, और वह गुरु के पैरों में गिर जाते हैं। बार बार रामानंद की इशारे करने के बाद नहीं गए, नहीं ना करना चाहिए ऐसा लेकिन वह रामानंद जी के पैरों में गिर गए। कहते हैं अरे पगले, कहा गुरु जी एक बात कहें तो क्या कहेगा, क्यों नहीं गया। कहा वह पहले भी था, बाद में भी रहेगा, है ना, वो तो शाश्वत सत्य है, लेकिन आपके कृपा के बिना वो मिला नहीं। तो आपके कृपा जब होगी तभी मिलेगा, तो आप श्रेष्ठ हैं कि वो श्रेष्ठ है। देख अपने अपने देखने का ढंग है, अपने अपने देखने का ढंग है ना, इसलिए कबीर साहब गुरु भक्त हैं। कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपनो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बलिहारी है, इन्हें मिला दिया। ये तो शाश्वत सत्य है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, तो बिना आपके कहे नहीं मिल गया पहले हमसे हम क्यों इनको पहले प्रणाम करें। जानते नहीं हो, भगवान बुद्ध का एक शिष्य बहुत प्रवीण हो गया, क्या नाम था भूल जाता है तो लोग, भगवान बुद्ध कहे कि अब हमारे साथ तुमको रहने की जरूरत नहीं, अब तुम जाओ दूर प्रचार करने के लिए। एक 10 को बुद्ध एक साथ घूमे तो कोई काम है, तुम जाओ दूर चले। वह चला गया, लेकिन यह दुखद घटना हुई जब वहां गया प्रचार किया, बहुत लोग उसके साथ रहे। तुम लोग कहता है गुरु जी हम सक्षम हो जाएं, हम जब भूत प्रेत हटाने लगे तब ना अरे पगले ही सक्षम गया। शाम होता तो कभी उत्तर पर ही सष्टांग प्रणाम करता, सुबह कभी पश्चिम पर ही प्रणाम करता। वहाँ के लोगों ने कहा कि गुरु जी का दिमाग कुछ गड़बड़ हो गया है। तो कहा क्या बात है भाई, 2 दिन 3 दिन कब दिन देखेगा। कहा कि गुरु जी सुबह पूरा सूरज निकलता है ना, तब उत्तर पश्चिम करते हैं, तो प्रणाम पश्चिम करते हैं, जब सूर्य पश्चिम डूबता है तो आप पूर्व करने लगते हैं साष्टांग प्रणाम। ऐसा क्यों हम नहीं समझ में आ रहे हैं, दिशा नहीं जानते हैं तो हम लोगों से पूछ लीजिए, पूछना चाहिए ना। वो कहा कि अरे मूर्खों तुम्हें भी ज्ञान नहीं, इस सूर्य से लेना देना क्या है। मैं उस महासूर्य को प्रणाम करता हूं जिस महासूर्य ने मेरे अंदर का सूर्य खोल दिया, दिखा दिया। मैं यहां से देख लेता हूं कि मेरा सूर्य किधर बैठा है, बुद्ध किधर बैठे हैं, यहां से मैं देख रहा हूं जिस दिशा में बैठे हैं, मैं यहां से उनको साष्टांग प्रणाम, उनको संदेश भेजता हूं, उनका वहां से हाथ उठ जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है मेरे। मैं उन्हें सलामी दे रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, वह मुझे प्रणाम दे रहा है, इस सूर्य से मुझे लेन देन क्या है। देखो तो इसलिए कहा गुरुद्रोही मनमुखी, यदि जो गुरु से द्रोह करने लगा मनमुखी न हो गया। मन हरदम उल्टा काम करता है गुरु, इसीलिए हम लोग पूछते हैं भोजपुरी में कि गुरुमुख हुआ है कि नहीं है, गुरुमुख भइल बड़ा हो भोजपुरी जान गया तुम लोग, अब आगे नहीं बोलेंगे भोजपुरी, भोजपुरी समझने वाला तो कोई है नहीं।
जैसे गुरुमुखी में गा गई भजन तो तू समझा नहीं गुरुमुखी, लेकिन भोजपुरी में उधर लोग पूछते हैं गुरुमुख भज बड़ा, तो कहा कि हाँ तो ठीक है तारा घरे हम खा ले पानी पी ले। गुरुमुख ने कहा भज तो ना हम ना खाई। गुरुमुख का अर्थ क्या होता है? गुरु के तरफ तुम्हारा आँख हो गई, गुरु की तरफ नाक हो गया, गुरु की तरफ मुंह हो गया, गुरु की तरफ कान हो गया, अब तू गुरु की बात सुनने लगा, गुरु पर त्राटक करने लगा, गुरु की सुगंध तुम में आने लगी और गुरु की वाणी तुम्हारे मुंह से निकलने लगी, अब गुरु का ज्ञान तुम में प्रवेश अंदर बाहर भर गया है, तू गुरुमुखी हो गया। इसीलिए कबीर साहब यहाँ मनमुखी कहें, गुरुद्रोही मनमुखी, गुरुमुखी नहीं मनमुखी। तुम मन के मुखी, गुरुमुखी नहीं है मन के मुखी है। मन तुम्हारा जो कहता है इधर उधर कटे पतंग की तरह उड़ रहा है, तुम्हारा अस्तित्व क्या है? और गुरुद्रोही जो होता है मनमुखी हो जाता है और क्या करता है, नारी पुरुष बेविचार, बहुत साधारण भाषा में नारी पुरुष का नहीं कहता है स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग पुलिंग, उसी भाषा में करते हैं कि यह जो है मनुष्य नहीं है, इंसान भी नहीं है, नारी पुरुष है, साधारण नाम है, कीटा फटंग के तरह कीड़ मकोड़े के तरह नारी पुरुष, बेविचारी भ्रष्टाचारी नारी पुरुष बेविचार। तो ऐसे लोगों क्या होगा, ते नर चौरासी भ्रम ही जबलक चंद्र दिवाकार। मनुष्य जन्म से वह चुक गया, गुरुमुखी भाषा से चुक गया, मनमुखी हो गया, अब यह 84 जोनियों में भ्रम करेगा, कब तक, जब तक से चंद्रमा और सूर्य रहेगा तब तक। अब बताओ कितना जन्म भटक गया, इतना मनुष्य जन्म मिल करके हम काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या में गंवा देते हैं। इसलिए क्यों ना हम लोग क्षमा याचना करके अपने हम जो है लकीर को मिटा दें और हम जो हैं बिल्कुल क्लीन पाक साफ हो जाएं और पाक साफ हो करके जैसे उस परमात्मा के दरबार में हंसते हंसते प्रवेश कर जाएं। जैसे तुमको उदाहरण बताएं, सूरदास जी, क्या तराम सब सुना होगा, सूरदास जी को वैराग्य हुआ, गए गुरु जी हमको दीक्षा दे दीजिए, गुरुजी ऊपर से नीचे देखे, गुरु की दृष्टि जो होती है एक्सरे होती है, एक्सरे से देख लिए, कहे कि सूर बच्चा सूर दास जवान हो तहाँ जाओ एक महीना कृष्ण कृष्ण कहना, हर काम में, अभी 24 घंटा हो रहा है ना कीर्तन, हर घंटा 24 घंटा यही कहना, और तब जो है पुष्य नक्षत्र में फलाना दिन को जमुना में स्नान करके आ जाना। अब उस दिन एकदम चकाचक फ्रेश ड्रेस पहन कर जा रहे थे, लाठी था ना सूरदास ठेंगते जा रहे थे, बड़ा प्रसन्न होके, जवान थे सुंदर थे, जा रहे थे कृष्ण कृष्ण कहते, झाड़ू देने वाला होता है ना, झाड़ू देना रोड पर झाड़ू दे रहा था, सूरदास को शायद देखा होगा तो रहते झड़िया रखी धुरिया उन्हीं पर मार दिया सब गर्दा हो जाएगा ना। संतोष जी भी वहीं जा रहे थे, कहेगा अरे बाबा तो हाँ ये सब तो आपको झाड़ू देकर धूर धूर भर दिया, बारा नहा कर जा रहा है, गुरु जी के यहाँ जा रहा है तो कहाँ भर दिया, सूरदास 10 को गाली दिए, इला छूत हमको गंदा कर दिया, हम दीक्षा लेने जा रहे थे, खूब गली आए, गुरुजी के यहाँ पहुँचे, गुरुजी सब देख ही रहे थे, कहे कि बच्चा सूरदास अभी तुम्हें पात्रता नहीं है, जाओ फिर एक महीना के बाद, पुष्य नक्षत्र महीना में एक दिन आती है ना, फलाना पुष्य नक्षत्र को आना स्नान उस्ना करके पवित्रता से आना। फिर चल दिए सूरदास जी, बड़े खुश होकर फूल ओल लेकर नया वस्त्र पहन करके चले, आज दीक्षा लेना है गुरु जी के, लेकिन पता ना वो चंडाल भी उनके पीछे ही पड़ गया था उस दिन भी झाड़ू दे रहा था, धूल उड़ाया तो नहीं सुनाया उनको, वो झड़ुए से इतने मारा एक दुबार मार, अरे फिर चंडाल हमको छू दिया या गुरुजी ही उपाय किए होंगे जो समझो।
सूरदास जी पहुँचे गुरु जी के यहाँ, कहा कि गुरु जी, कहा कि नहीं अभी तुम्हें पात्रता नहीं आई, एक महीना के बाद आओ फलाना पूछन छत्र। फिर सूरदास को बड़ा गड़बड़ हुआ कि अब कहते हैं हम राम राम तो 24 घंटा कहते हैं, कृष्ण कृष्ण अब कैसे गुरु जी भाई बोल रहे हैं, तुम लोग को तो फटाफट गुरु जी दे देते हैं दीक्षा ना। फिर एक महीना चले गए, दूसरे महीने, तीसरे महीना में आप फिर भक्ति करने लगे, कहे कि जरूर हम में दोष है, छूत छूता छुआ छूत है, ऊपर नीचे है, जाति पात है, हम घृणा करते हैं उसमें, क्या उसमें कृष्ण नहीं है क्या, जो झाड़ू से गर्दा फेंका या जो झाड़ू मार दिया उसमें कृष्ण नहीं है क्या, यदि उसमें भी है तो हमने क्यों उसको गाली दिया। अब उनके मन में भाव आने लगा, सत्संग से कुछ सुनने से होता है, रोज जो कपड़ा तुम साफ करते हो साबुन से, स्नान भी करते हो साबुन से, लेकिन मन साफ करते हो, मन साफ करने के लिए सत्संग चाहिए, सत्संग तुम रोज गुरु जी के आश्रम में नहीं आ सकता है, तो हम कई बार कहे आकि आप सनातन सदगुरु का चैनल खोल लो या सदगुरु धाम खोल लो, वहीं से अपना कान में लगाकर सुना करो। बहुत अक्सर लोग बता रहे हैं गुरु जी हम लोग वही सुनते रहते हैं, ये तो कर सकता है लेकिन वो भी नहीं करता है, खाली समय में झगड़ा करेगा किसी से न किसी समय, टेंशन क्रिएट करेगा, तो सुन लो, चूँकि वो वृंदावन में रहते थे सत्संग सुनते थे, उनका मन क्लियर हो गया। इस बार जब फिर तीसरा बार पूछ रहे क्षेत्र में स्नान करते खुशी खुशी कृष्ण कृष्ण कहते जा रहे थे, तो वह भी सजग था, पता नहीं निकल इंतजार करता था, इस समय टोकरी में सब गंदगी लिया था, और सूर्यदास को दिखाई नहीं पड़ता, उन्हीं के सिर पर डाल कर हर 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 स्नान करा दिया। लेकिन अब सूर्यदास क्या कह रहे हैं, अब हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु बड़ी कृपा किया आपने, आप हम जितना हम अभी यमुना जी में स्नान करके पवित्र नहीं हुए थे, आपका जो आशीर्वाद बरस गया हम पर, परम पवित्र हो गए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कितना आप मेहनत किए प्रभु, कितना आप मेहनत से बहारे होंगे, झाड़ू लगाए होंगे, कितना जगह से आप पुष्प बटोरे हैं, असम मेहनत करके हम पर डाल दिए ना, प्रभु आपको बहुत धन्यवाद, हम तो धन्य हो गए आज, मैं परम पवित्र हो गया। गुरु जी देखते होंगे कहीं से, जैसे ही सूरदास पहुँचे गुरु जी बड़े खुश होकर कहे आओ आओ सूरदास, आज तुम पवित्र हो गया। और उन्हें दीक्षा दे दिया, मतलब कहने का मतलब, जब तक से हमारे अंदर से क्षमा अपने आप स्वतः निकलती नहीं है, बनावटी क्षमा शोभता नहीं है, इतना अंदर से क्षमा निकला ही ना, वह जो है हमको गाली देकर या हमारे ऊपर फेंक करके अपना जो है रेखा खींच रहा है, तो मैं उसके बराबर बनाऊं, तुम हमको किया है तो हम भी तुमको करेंगे। अरे कहा भाई, तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, अरे पगले कहीं का, वो तो ईंट बन रहा है तू पत्थर क्यों बन रहा है, आदमी तो बन, लेकिन ये कोई नहीं सोचता है, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, अरे वो तो ईंट बना है तू पत्थर क्यों बना रहा है अपने को, आदमी तो बन, ये कोई नहीं कहता कि तू ईंट से किया है तो मैं आदमी का जवाब दूंगा, आदमी की तरह दूंगा। देखो सूरदास ने आदमी की तरह जवाब दिया ना, तो देखो यह जब तुम में यह पात्रता आ जाती है तो समझ लो कि गुरु कृपा हो गई, जब गुरु तब गोविंद कृपा की गुरु दिया मिला, गोविंद तो इतना ही करेगा, परमात्मा इतना ही करेगा कि तुमको गुरु के सामने भेज देगा, अब तुम्हारी मर्जी गुरु के यहाँ समर्पित हो या न हो, गुरु से वह दीक्षा लो या न लो, गुरु से वह महामंत्र लो या न लो, दैट डिपेंड ऑन यू, परमात्मा अपना काम कर दिया। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले न संता, कहते हैं ना सुग्रीव विभीषण भी, कब मुझे भरोसा हो गया कि बिना हरि कृपा के आप आइएगा महात्मा जी, वो तो महात्मा का रूप देख रहे हैं, तू बानर का रूप देखेगा, कौन रूप उनका बड़ा बड़ा सुंदर है, वानर का रूप देखेगा ना, लेकिन अब उनकी आंखें बदल गई कि नहीं परमात्मा कृपा हो गया कि महाराज आ गए भगवान, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुरंत
मान गया विभीषण, मंत्र मान लिया ना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जब ठीक ठीक गुरु का मंत्र बन जाए, मान लेगा, तो तू तो राजा बनेगा, इसे कम मानेगा नहीं, लंकेश्वर बन गया ना। सबसे कमजोर आदमी था लंका का, निष्कासित था, पैर से मारकर भगाया गया था, लातन जूतन मारकर भगाया गया था ना। इसलिए तुम्हारी अपनी श्रद्धा मत रखो, छोड़ो। और यह जो है संतत्व का मतलब यही है, पात्रता का आ जाना। कबीर साहब अपने आश्रम में एक दिन झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू समझता है ना, तुम लोग तो नहीं लगाता है ना, कहाँ आश्रम में लगाता है। कहा कि हम लोग आए हैं गुरुजी झाड़ू लगाने के लिए, कि हम लोग दक्षिणा इतना मोटी दिए हैं, साधना के लिए आए हैं। अपना रूम, अपना बाथरूम तो कम से कम साफ करना चाहिए तुम लोगों को। और आश्रम में बांटा जाता है साधक को, इतना काम करना है, 2 घंटा रोज आश्रम की सब सफाई। लेकिन अभी तुम लोग यहाँ अल्पकाल है, इसलिए देखो सेवा करने दूसरा आया है, खाना बना रहा है दूसरा, सेवा कर रहा है तुम्हारी दूसरा, तो तुम्हारा तपस्या का फल कुछ लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। इसलिए स्वयं सेवी बनना चाहिए ना। कबीर साहब आश्रम में झाड़ू लगा रहे थे, सुबह सुबह का समय था। राजस्थान का एक राजा आया, सोचा कि सेवादार है, झाड़ू लगा रहा है। कहा गया सेवादार, जाकर कहो जरा कबीर साहब से हमको मिलना है। कहा बस बस श्रीमान बैठ जाइए, 2 मिनट पूरा कर लें। फिर झाड़ू लगाने लगा। कहा अरे बेहुद्दा, तुम समझ नहीं रहा है, मैं राजा हूँ, जाकर खबर नहीं किया। कहा सरकार बस अब खबर करने ही वाले हैं, छोड़ा कि निपटा लें, बहारन फेंक दें। बाहर रहे थे अंतिम, बहारन जब बाहर को उठाने लगे थे तो वह राजा माना नहीं, जाकर 2 तमाचा लगा दिया। हम राजा हैं जानता नहीं, क्षत्रिय हैं, राजस्थानी हैं, तमाचा लगाएगा कि नहीं लगाएगा? 2 तमाचा लगा दिया। अब कबीर साहब वहाँ बाहर छोड़ करके चले गए खबर करने, जाएंगे ना खबर करने कि राजा आया है भाई। घर के अंदर गए, कपड़ा बदले, पहनते नहीं तेरी कपड़ा पहने, कभी कभी पहन लेते हम भी, बांधे, देखो टोपी लगाए, कहाँ टोपी वाला, टोपी लगाए वैसे, और आकर के अपने गद्दी पर बैठ गए। कहे भाई कौन राजा आया है, आओ कबीर साहब बैठ गए। राजा देखा अरे भगवान, आप ही को हमने तो बड़ा गलती हो गई, हम तो आपको गुरु करने आए हैं, आप ही को 2 तमाचा लगा दिए। कबीर साहब को तो गाली देना चाहिए ना। कहे कि राजन कोई बात नहीं, हम बाजार में 2 पैसे का हाड़ी खरीदने, हाड़ी समझता है, हाड़ी खरीदने जाते हैं, मिट्टी का घड़ा, उसको 2 बार ठोकते हैं, चूता तो नहीं है, ठीक तो है, 2 बार ठोकते हैं। तू गुरु करने के लिए आया तो तू 2 बार नहीं ठोकेगा, तू तो ठोकर देखी, ठोकर देख लिया ना, कहाँ फुटा तो नहीं है ना। अब राजा बड़ा शर्मसार हो गया, अरे अरे, कहा कि तुम्हारा भी काम था ठोक कर देख लेना, अच्छा किया, अब बोलो क्या काम है। अब बात पूछे, पूछना है जो पूछे। कबीर साहब बताते गए भाई, जैसे सष्टांग प्रणाम किए कि सरकार मेरा इस जन्म में उद्धार कर दीजिए, मैं तो आते आते गुरु को दक्षिणा मार ही दिया, लेकिन उनका तो कोई अपना लकीर नहीं ने बनाया। इसलिए तुम ऐसा बनाओ कि अपना लकीर मत बनाओ, सामने वाला जो लकीर खोज रहा है, बना रहा है, उसका भी मिटा दो। अब समझ गया, इस साधना का फल यही है कि मिटाओ, अंदर से शांत हो जाओ। समुद्र में ऊपर हलचल रहता है लेकिन अंदर से शांत होता है, मनमाने की बात है ना, नहीं है इसमें जाति नहीं आएगा, धर्म नहीं आएगा, पंथ नहीं आएगा, संप्रदाय नहीं आएगा, तुमको मानने की बात है।
नहीं मानेगा, नहीं मानेगा ना। लेकिन देखो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, देखो पद्मा है बैठी है, लंका गई थी हमारे साथ, कैलाश मानसरोवर गई थी, जब वहाँ के वरिष्ठ लोगों ने इसकी शिकायत करने लगा हमसे, शादी नहीं हुई थी, शिकायत करने लगा, अब नहीं कहेंगे आगे, हमारा मन बड़ा दुखी हुआ। उस समय मैं तुरंत मैं मंच पर बैठ करके कहा कि आज से मेरी मानस पुत्री। वे लोग तो हमसे कट गए, मानस पुत्री कहते धीरे 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 करके दो चार मिनट में कट गए, सदा के लिए कट गए। लेकिन इसमें तुम लोग देखते हैं कोई बदलाव आया, एकदम लड़की की तरह खड़ी रहती है, कभी सामने बोलती नहीं है, कभी सामने बैठेगी नहीं, जो हम कहेंगे उसको मानने लगेगी। सरदार सरदार की लड़की है, लंका में गई थी या क्या नाम है कैलाश मानसरोवर गई थी, कहीं देखा उच्छृंखलता इसको, देखा है तुम लोग उच्छृंखल थी, यहाँ उच्छृंखल रहती है। मतलब यह है कि बच्चा अपना पराया क्या कहलाता है, मनमाने की बात है, गुरुमुखी की बात है, अपना भी पराये की तरह प्रतीत होता है, नहीं होता है। पराया भी अपने की तरह लगने लगता है। तो यह तुम्हारी एग्जाम्पल दिया कि तुम लोग जो है अपने को इस तरह से बना लो, कहन सुनन को है नहीं समझन की है बात ना। तो अब तुम लोगों की एक और बात कह करके बने, अब समझ गया, गुरुद्रोही मनमुखी नार पुरुष व्यभिचार ते नर चौरासी ब्रह्म ही जब लग चंद्र दिवाकर। भ्रमता है ना, जब लग चंद्रमा दिवाकर है तब तक भ्रमण करेगा। अब क्या सुनावे तुम लोग को, एक बात और सुना दें, गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान। माला फेरता है ना, राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम, ओम ओम ह्लीं बंगला मुखी सर दुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभ जीवा गिले बुद्धि विनाशे लिम फट, फेरता है सब, ओम राम ह्रीं हूँ फट स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः, बहुत फेरता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, गुरुबिन सब निष्फल भया कहा पूछो वेद पुराण। कहा कि हम नहीं कह रहे हैं, वेद पुराण से पूछ लो, गुरुबिन सब निष्फल जाता है। इसलिए हमारे देश में गुरु की महत्ता दी गई है। अगर गुरुमुखी जब हम होते हैं तब हम दूसरे को दोष नहीं देते हैं, अपने पर दोष लेकर अपना सुधार करते हैं। इसलिए राजा भर्तृहरि का नाम सुना होगा, यही कहकर बंद करेंगे आज का टॉपिक। सुना है राजा भर्तृहरि का नाम, कहाँ गए थे, उज्जैन के ही थे तुम्हारे, मध्य प्रदेश उज्जैन। जब शादी में थे तब उन्होंने श्रृंगार शतकम लिखा है, संस्कृत में पढ़ाया जाता है। जब राजा रहे तो उन्होंने राजनीत शतकम लिखा, जब साधु बन गए तब उन्होंने वैराग्य शतकम लिखा। सौ सौ श्लोक है जो संस्कृत के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। तो चलो अपने पत्नी पिंगला के चलते ज्ञान हुआ वैराग्य हुआ, छोड़कर चल दिए, उनको लड़का नहीं था, जवानी में छोड़कर चल दिए, अपने भाई विक्रमादित्य को राजगद्दी सौंप कर भाग गए।
जब तुम जाना चाहेगा तो कोई पकड़ नहीं सकता है, तुम नहीं जाना चाहेगा तो सब आदमी पकड़ेगा। गुरु जी हम जाना चाहते हैं भजन करना, लेकिन हमारा पास फलाना नहीं छोड़ रहा, फलाना नहीं छोड़ रहा, फलाना मन बहाना है ना, इस सब मन का बहाना है। विक्रमादित्य 30-32 साल की अवस्था में ही छोड़कर चले गए। भर्तृहरि विक्रमादित्य को राज देकर अपने छोटे भाई को, छोटा भाई बहुत छोटा था, माने 30 साल के थे तो वह 20 साल का ही था, पुत्र की तरह मानते थे, इसलिए कहे कि राजा ने अनाउंस कर दिया कि मेरा पुत्र यही है, मेरा उत्तराधिकारी यही है, मैं इसको अपना उत्तराधिकारी बनाकर जा रहा हूँ। हाथ कमंडल लिए गिरुआ वस्त्र पहने चल दिए, यही राजा मानसिकता है, चलता है तो लौटता नहीं, आगे बढ़े तो पीछे मुड़ मुड़ क्या देखे। कबीर साहब कहते हैं ना, जब साधुता में आई तो पीछे मुड़ मुड़ कर क्या देख रहा, हम लोग पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं कोई बुला रहा है कि नहीं, कोई हमको पूछ रहा है कि नहीं, पीछे मुड़। जब नहीं पूछता है तब घरे चले जाते हैं, आस पास चलते हैं, अब घर वाला बुलाएगा कि चलो भाई, देखता है कि नहीं, पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। भर्तृहरि नहीं, मैंने देखो कहाँ है और कहाँ चले गए, उनकी समाधि है मिर्जापुर जिला में चुनार, मैं 2-4 महीना चुनार उनके समाधि पर रहा हूँ, अब तो उसमें पीएससी रह रही है, उस किला में गंगा के तट पर है। चुनार एक हमारा आश्रम था गुरु जी का, इसलिए मैं किला पर भर्तृहरि के समाधि के नज़दीक रहता था, 2-4 महीना रहा हूँ, गंगा के तट पर है मिर्जापुर, सिद्ध थे भर्तृहरि, अब तो उनको नीचे डाल दिया गया है, बेसमेंट मैंने गुफा में बंद किया गया है। तो खैर देखो कहाँ दक्ष कहाँ भाग गए उत्तर, जब वह मिर्जापुर के साथ जंगलों में चले गए तपस्या करने, तो उनके राज्य की भी वेश्या थी जो अमर फल उनको दी थी, जिस अमर फल से भेद खुला और उनको वैराग्य हुआ, तो उस वेश्या को भी वैराग्य हो गया, उन्हीं के पीछे पीछे वो भी चली गई, लेकिन वो देख नहीं रहे थे मुड़ करके मेरे पीछे आ रही है, नौवा वो दिखा रहे थे। जो अंतिम नगर था उस नगर से उस जंगल में जब गए, तो वह उसी नगर में जहाँ से उस जंगल से आ जा सकते हैं, मेन एक भाड़ा पर मकान लेकर रहने लगे, कुछ कोई नहीं जानता था कि क्या कर रहे, चुप वहीं रहने लगे। और सुबह शाम भर अब भर्तृहरि जी का ध्यान करते थे, भर्तृहरि जी परमात्मा का ध्यान करने जंगल में चले गए, वह जो है भर्तृहरि जी का ध्यान करते रहे, हरदम उस पर आकर बैठती थी सुबह से शाम तक कि आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं कि नहीं। देखो बड़ा विचित्र होता है, जब 12 वर्ष तपस्या कर लिए उन्हें सिद्धि आई, तब भर्तृहरि जी झूमते हुए आने लगे, यह देख ली जानकी कि आ गए, तो छत था, छत के ऊपर रहती थी, देखी कि जेम उसके गली से गुजर रहे थे, तो जो एक आध महीना से बाहरन बाहर कर रखी थी, हर 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 उनके कपार पर डाल दी हिमाला डाल दी ना, वेश्या भी गुरु का काम करती, कभी कभी पत्नी भी गुरु का काम करती है, जानता है कि नहीं, मित्र भी गुरु का काम करता है, पता नहीं किस भेष में मिल जाए बाबारे, किस भेष में परमात्मा तुमको ज्ञान देगा, वो ठीक नहीं। भर्तृहरि जी जब देखे ऊपर कि कौन औरत मुझ पर गंदगी डाल दी, जैसे सूरदास का हाल था, इनके मन से आया मैं राजा था, एक संपत्ति का है, इसे मृत्यु दंड मैं देता, बुदबुदाए तो बुदबुदाए तो वेश्या भी बड़ी तेज थी, कहा कि अभी रजे रह गया, हम तो जाने कि तू बाबा बन गया है, लेकिन अभी तो रजे है, तो सुन लिए वो, मन के झटका लगा, कहा कौन है, ठीक कह रही मैं राजा ही हूँ, यदि मैं राज छोड़कर आया हूँ इसे मृत्यु दंड देता मैं, बड़ा झटका लगा, लौट गया, तुरंत मारपीट करता, पंचायती करता, लौट गए, फिर 12 साल घोर तपस्या किए,
फिर बैठी थी, अब वो भी कितना पेशेंस है उसको, हरदम देख रही है रास्ता आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जब देखे एकदम झूमते हुए मस्ती में पीर आ रहे हैं, अब आंखों में तेज है, रिद्धि है, सिद्धि है ना, 24 वर्ष का तपस्या में होगा कि नहीं होगा, एकदम मन मस्ती में आ रहे थे। तो इस बार जो है कीचड़ ओचड़ सान कर रखी थी, वो हर 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 ऊपर से स्वागत कर गिरा दी। स्वागत हो गया, 12 साल इंतजार कर रही है गिराने के लिए, उसका कम, उसका तपस्या नहीं है क्या, कम है। जब भरतरी फिर देखे, आंखें लाल हो गई, कुछ बोले नहीं, आंखें लाल हो गई, कहा कि अभी भी राजधर्म गया नहीं है। देखो परीक्षा हो गई, अभी भी राजधर्म गया नहीं है। राजा का ना आंखें लाल होती है, पीला होती है, काला होती है। देख ली अभी राजधर्म नहीं गया है। भरतरी को बड़ा चोट लगा, कहा ठीक कह रही है, शायद परमात्मा मेरा परीक्षा ले रहा है। लौट गए, फिर 12 साल तपस्या किए, 36 साल हुआ, माने 30 साल के गए थे, 36 साल कितना साल हो गया बोलो, 66 ईयर हो गया, परिपक्व हो गए। अब इस बार आए तो कोई कूड़ा डालने वाला था ही नहीं, तो कहे कि हो सकता है माता जी सोई हुई हो, इधर उधर चली गई हो, तो वहाँ पर खड़ा हो गए। गांव वाला कहे कि बाबा प्रणाम, चलिए भिक्षा देंगे। कहा कि अभी भिक्षा यहाँ से तो ले लें, अरे बाबा बेस्या का घर है, हाँ लेकिन भिक्षा मुझे दो बार से यहीं से मिल रहा है, कोई नहीं आया, एक आध घंटा खड़े रहे नहीं आया। तो बाबा को, भरतरी को संदेह हो गया, कुछ हो गया है क्या इसको। ऊपर गए तो देख रहे हैं कि गुरु में कराह रही है। ये गए एक सन्यासी, राजा सन्यासी होकर बताओ कितना बड़ा होता है तपस्वी, 36 साल तपस्या करके आ रहा है, कराह रही थी, बेहोश में रही थी। भरतरी पैर पकड़ कर, पैर छुए, पैर पकड़ के हिलाया, माताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। वो आँख उठाकर देखी, कही कि इधर आइए, नज़दीक नज़दीक मुहर की तरफ गए। वह किसी तरह से बड़ी परिश्रम से अपना सिर रख कर उनके पैरों में रख दी। कही क्या करें माताजी? कहा कि मैं जानता नहीं है तुम हमको, तो ना आप ही के दरबार की मैं फलाना वेश्या, हाँ आप इधर आए सन्यास लेने, मैं आ गई आपको सन्यास के ब्रह्मत्व देने के लिए, मैं सन्यासी ले नहीं सकती हूँ, तपस्या कर नहीं सकती, मेरा पापी शरीर था, इस शरीर से केवल पाप कृत किया है। देखो यह कहकर अपना भी पूछ रही कि नहीं, वो क्षमाई अचना हुआ ना, पूछ रही है कि मैं पाप कृत किया है, कर नहीं सकती, बस मैं भी 36, 12, 24 साल आपको निहारती रही कि आप उस ब्रह्म को उपलब्ध हुए कि नहीं, उस शांत के मूर्त को उपलब्ध हुए है कि नहीं, आप में वह शांति आई कि नहीं, आप में यदि शांत आ गई तो मैं शांति से प्राण छोड़ सकती हूँ। भरतरी जो है उनके आंख से आंसू आने लगा, माता जी आप इतना बड़ा कष्ट, कहा कष्ट नहीं उठाए, अब मैं शांति से शरीर छोड़, मैं अपने पापों का कर्म भोग रही हूँ, मेरे शरीर में कीड़ा पड़ गया है, मैं वेश्या हूँ, सबको मैं बता दी थी कि मैं वेश्या हूँ, इसलिए गांव वाले मुझसे घृणा करते हैं, मैं छिपाई नहीं, यदि मैं छिपाती तो मेरा पाप और मोटा 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 होते जाता ना, इसलिए मैं सब हमसे घृणा करता है, कोई मेरे यहाँ आता नहीं। जब तक से पैसा था बना चला कर खिलाई पिलाई, खत्म हुआ, लेकिन जब आप वहाँ से चले थे तब मैं यहाँ से समझ गई कि आप जो है उस ब्रह्म के लिए जो निकले थे प्राप्त कर गए हैं, तब मैं भी ठंडा सांस लेकर अंतिम दिन के गिनने लगी, हे परमात्मा अब यह तो भरतरी पूर्ण भरतरी बन गया, परमात्मा स्वरूप हो गया, अब मेरा सिर उसके चरणों में नमन है, मुझे मुझ पापी को अब क्यों रखेगा, आ ही गया तो मैं अपने सिर रख दी, अब मुझे जाने गला दबा दो, मैं चलू जाऊं। गला दबा सकते हैं ये, यह जो है इनके आंख से देखो आंसू आने लगा, रोने लगे, माता जी मैं भिक्षा नहीं मांगा हूँ आज तक,
लेकिन आज प्रथम बार भिक्षा मांगने जा रहा हूँ और आप मेरी माँ हैं, मेरी धर्मगुरु हैं, मेरी धर्म आप जो हैं गुरु माँ हैं। अरे इतना मत कहो, तुम्हारे ही राज का मैं वेश्या हूँ। कहा कि आप ही के चलते मैं वैराग्य लिया हूँ, आप ही के चलते मैं इस पद को पहुँचा हूँ। मैं शांत फरोश्त नहीं हूँ। एक क्षण रुकिए, कितना दिन भोजन किए हो गया? बस अभी एक हफ्ता से नहीं किए हैं, इसलिए मैं भोजन भी परित्याग कर दी हूँ। बना सकती नहीं हूँ, हमको कोई देख सकता नहीं है, कोई हमको भिक्षा दे नहीं सकता है, खाना नहीं दे सकता है। कहा गुरु की मैं आ रहा हूँ। भरतरी निकले भिक्षाटन में, उनको भिक्षा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बुद्ध यदि भिक्षाटन में निकले मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसीलिए बुद्ध पुरुष जो भिक्षाटन में निकलता है तो उसका भिक्षाटन नहीं कलता है, कहता हम चेताने जा रहे हैं। भिक्षा के माध्यम से जो आएगा देने उसको मैं चेताऊंगा। भिखारी भीख मांगता है, बुद्ध पुरुष चेताना कहते मैं चेता रहा हूं। कबीर साहब क्या भी कहा कहें, हाथ में लोटा बगल में सोटा, चारों दिशा दिगा जागेरी में। हाथ में लोटा बगल में, मैं राजा हूं ना, हाथ में लोटा भिक्षा मांग लूंगा लोटा में। तब तू भिक्षा समझ रहा है? नहीं, अपना टैक्स ले रहे हैं, हम राजा हैं, टैक्स दो हमारा, नहीं देगा तो सोटा है पीटेंगे इसे। तो राजा जो हूँ दंड भी दूंगा, अब समझ गया? हाथ में लोटा बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, सब दिशा तो मेरा जागीरी है। बुद्ध पुरुष जागीर समझता है, अब इनको भिक्षा मिले कि नहीं? मार सामान मिलने लगा, आसपास लोग दौड़ने लगे, महाराज मैं बनाकर खिलाऊंगा या खिलाऊंगा। कहा कि नहीं, वह माता जी बीमार है, उसको मैं खुद बनाऊंगा खिलाऊंगा। अब जब वह जो है खाना बनाने के लिए, कई गो गांव के लोग आ गए, खाना बनाने लगे, अपने से झाड़ू देने लगे, कोई भारण देने लगा, कोई माता जी को स्नान कराने लगा। अब सब उसके कहा, महाराज भगवान आप तो सिद्ध पुरुष हैं, ये माता जी नहीं है, वेश्या है। कौन कहा है तुमसे? कहा कि यही कहीं है। तुम कह सकते हो तूने अपने जीवन में क्या क्या पाप किया है? चुप, तुम अपने पाप को छिपाया जा रहा है, ये अपने पाप को प्रकट किए जा रही है। तुम श्रेष्ठ हुआ कि यह श्रेष्ठ हुई? कौन श्रेष्ठ हुआ? सब लोग चुप। अब भरतरी जी वहीं रह गए, उनका वही आश्रम बन गया घर। डू यू फॉलो? वही आश्रम घर बन गया। अब उनको जो है स्नान कराने वाला आ गया, सब स्नान कराना, साड़ी बदलाना, खिलाना पिलाना। साल दो साल जी चलने लगे, लेकिन प्रतिदिन भरतरी को सष्टांग प्रणाम करते, उनसे सेवा नहीं लेते। कहती प्रभु आपसे सेवा लेने की मेरी क्षमता नहीं है, अब नरकों में मट के धक्का दीजिए। उनसे सेवा नहीं लेती, गांव वाले औरतें लड़कियां आती से उसे ले लेती, भरतरी से नहीं। अंत में वो शरीर छोड़ने लगी तो कही आप मेरे सामने केवल खड़ा रहिए, मैं आप अपना प्राण छोड़ूंगी। भीष्म पितामह वाली स्थिति आई, भीष्म पितामह गए, कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। वह वेश्या कही कि मैं अपने सामने खड़ा रहिए, मैं शरीर छोड़ने जा रही हूँ, आपके चरणों में विलीन करना चाहती हूँ। अपना जीवन साफ कर ली कि नहीं? रेखा अपनी पूरी रेखा साफ कर ली। भरतरी का भी साफ, उसका भी साफ। वह औरत भरतरी के सामने सामने प्राण त्याग दिया। भरतरी जी उसकी समाधि दिलवाए और पीना जो है आ गए अपने चुनार गंगा के तट पर, ध्यान समाधि लगने लगे। जहाँ गंगा के तट पर किला बना है जिसको कहते हैं चुनार किला, भरतरी जी की समाधि, उसमें चार पांच महीना हम रहे। खैर तो देखो, हम यह कह रहे हैं क्षमा याचना, ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिससे कोई गलती ना हो। है कोई मनुष्य? है तो गलती होगी, लेकिन उस गलती को हमको अब कहना भी नहीं है। तुम लोग जो साधना बताए हैं उसे मन ही मन क्षमा करके प्रक्षालन कर देना है, रोज आज से शुरू हो जाना है।
जब सोने जाओ तो करो, और जब सुबह ध्यान में बैठता है तो ध्यान में गुरु का गोविंद का आवाहन कर रखे साक्षी मान करके 5 मिनट क्षमा में लगा दो। जिनका याद पर उनका स्मरण कर लो, नहीं याद परे तो परमात्मा पर छोड़ दो, तुझे याद है, देखो मैं किसका बिगाड़ा हूँ, किसको हर्ट किया हूँ, उसको मैं क्षमा किया, वो हमको गाली दिया है, तू उसे माफ़ी मांग रहे हैं। ज़्यादा मेहनत है, तुम लोग 1 महीना करके देखो, तुम्हारे चेहरे पर रौनक जाएगी, तुम्हारा डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा और तुम जो है प्रसन्न होने लगेगा, सफलता मिलने लगेगी, शत्रु जो आज तक शत्रु था आपसे प्रेम करने लगेगा। लेकिन मैं कल भी कहा था, राम याद है, आर रिजनरेट, अपने को यह करके जब करेगा तो आपके रिजनरेट होगा कि नहीं, एनर्जी मरा मरा है जनरेट हो जाएगा, आर रिजनरेट, ए अटेंड, अपने सब संबंधों को अटेंड करो, भाई बहन लड़का लड़की पुत्र, दूर का भी भाई चचेरा नाता पाता सबको अटेंड करो। इसलिए कहीं ना कहीं तू उसके कुल में खानदान में गोत्र में गांव में घर में जन्म लिया है या तुम्हारे नज़दीक आ गया है, पद्मा आ गई है नज़दीक ना तो कुछ कर्म का जल है फल है कि नहीं है, तुम लोग आ गया है ना, तुम लोग आया है कि नहीं आया है, तो जन्मों जन्म का फल है, कहने सब आ जाता है। तो तुम लोग भी एक दूसरे को अटेंड करो, शिकायत मत करो। हम लोग क्या करते हैं, फट शिकायत करने लगते हैं, डंट से एक दूसरे को अटेंड करो, इज इट करेक्ट, मेंटेन करो, एम मेंटेन करो, बाप दादा जो बना गया है रिश्ता, बाप दादा जो हवेली बना गई है, बाप दादा जो पूर्वज लोग के हम उत्तराधिकारी हैं, तो उनका भी मेंटेन करना है ना, सबको मेंटेन करो, जब इतना मेंटेन कर लेगा राम हो जाएगा। इसलिए राम का गांव घर नगर जितना हो सके, ये बात समझ लो, हमारे गुरु जी कहते थे, वो बात हम अभी तक मानते हैं, अपने शिष्य कहते जो हमारे यहाँ आ रहा है बच्चा, एक बैग रात में भी रात कभी आ गया तो उसको खाना खिलाओ, उसके यहाँ कपड़ा नहीं तो कपड़ा दो, यदि कपड़ा है तो 10-20-50 रुपया जो भी है उसे विदाई करो। अभी तक मुझे याद है एक लड़की संपत्ति रहती थी, वो बड़ी क्रिपिड थी, नहीं देने जाती थी, पैसा वही रखती थी, वो कहते थे तू जो आया है ना वो तुम्हारे कमाई नहीं मांग रहा है, जब वह आदमी आता है कोई तुम्हारे यहाँ गेस्ट बन करके, चाहे आश्रम हो या घर हो, तो वह परमात्मा उसका हिस्सा पहले भेज चुका है तुम्हारे यहाँ, अब तुम नहीं दे रहे हो तो उसका हिस्सा मार रहे हो कि नहीं, कृपणा ही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कृपणा ही कर रहा है ना। तुम लोग इस प्रमाण चाहेगा, इस कोरोना काल में कोई आता जाता नहीं था और हम लोग जो हैं यहाँ पर 2-4-500 आदमी खाना यहाँ से भेजते थे, हर आश्रम में खबर हो गया कि खाना बांटो, बम्बई आश्रम से लेकर वहाँ हम बक्सर से लेकर का नाम है वहाँ बनारस तक खबर आश्रम हुआ खाना बांटो, बटता था। अब लोग कहे कैसे आएगा भाई खांचा, जिस दिन लोग बताए कि 1 किलो दाल है, याद है 1 किलो दाल है और 1 बोरी चावल है, अब नहीं, हम कहने कि 1 किलो है ना खिचड़ी बना, जितना लकड़ी था सब लग गया उसी में, बनाओ 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 बांटो बांटो। उसी दिन कोई आदमी 5 क्विंटल दाल और 10-20 क्विंटल चावल सेम डे ट्रक से भेज दिया, 1-2 लाख रुपया भी भेज दिया, सेम डे आ गया। तो तुम क्यों कृपणाई कर रही है, पुलिस पैसा नहीं देता है, एसके सिंह को नाम लेते हैं, रिटायर्ड है ना रे बच्चा, एसके सिंह हमारे रोज प्रवचन सुनते थे, कान से लगाए रहते थे रिटायर्ड में, वह 1-1 लाख रुपया भेजने लगे, हम कहने कहा तू क्यों भेज रहा है, कहाँ से मिल रहा है, अरे गुरुजी हम लोग पुलिस वाला कभी देना जानते हैं, जिंदगी भर कहीं नहीं दिए, ना पॉकेट में हाथ मिल रहा है, हमको 1.25 लाख पेंशन मिल रहा है, हमारा लड़का 12 लाख कमा रहा है, अभी लड़का सुनता होगा उनका, पोतोहू भी कमा रही है,
हमारा खर्चे क्या है, नौकर चाकर खाना सब लड़के की तरफ से है, गाड़ी घोड़ा। कोरोना काल में आपका प्रवचना सुनते हैं तो लड़के को ही कहे कि लो चेक गुरुजी के अकाउंट में भेज दो। अब बताओ ऐसे लोग भेजने लगे, मतलब क्या समझा? देखो अभी जा रहे हैं तैयारी में, का नाम है बद्रीनाथ। अब पंजाब के लोग बद्रीनाथ मांग रहा है, हम नहीं मांग रहे, हम जाएंगे कोई हरी झंडी देंगे 10 तारीख को, ट्रक रवाना होगा। तुम जब तक से अपने बारे में सोचेगा, हमारा हमारा लड़का हमारा पत्नी, दुख रहेगा। जैसे ही तुम दिमाग बड़ा कर लेगा, बुद्धि बड़ा कर लेगा, जो तुम्हारा है और उनमें खर्च करने लगेगा, फिर परमात्मा तुम्हारे लिए खर्च देने लगेगा। उसको हम अवसर नहीं देते हैं मदद करने का। हम सब अपने में मुट्ठी बांध कर रखते हैं, बस आज इतना ही समझो कि जो परमात्मा दिया है वह उसका है, तो फिर हम उस बंदों को भी तो दें, उसके बंदे भी उसके हैं ना। अब देखो यहाँ क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है कि तो पूनम जी देख रही है क्या कर रही है नहीं कर रही है, हम पूछते भी नहीं हैं। हाँ जरूर हम पूछ लेंगे, गलती हुआ किसी को ना मिला नहीं मिला तो जरूर इनको डांट पड़ेगा, रोज पड़ता है कि नहीं डांट? धन्यवाद तो देते नहीं हम लेकिन डांट पड़ेगा, फलाना क्या हुआ भाई नहीं दिया, क्यों उसको मच्छर कटा मच्छर वाला नहीं दिया, तुम लोग नहीं जानते, पूछो इनको डांटे। ये यदि बच जाएगी तो देखो कुणाल बचे हैं, ये तो बच नहीं सकते हैं डांट पड़ जाएगी। अब तुम कहाँ से करेगा तुम जानो, हम क्यों बोझा लें? जानते हैं कि अपने लिए नहीं कर रहा है, यह जो है परमात्मा के बंदे के लिए कर रहा है। परमात्मा देगा कि नहीं देगा तो यह समझ लो इस यज्ञ में आके तुम जब परमात्मा के बंदे के बारे में सोचे लगेगा, पशु पक्षी के बारे में भी सोचने लगेगा, परमात्मा तुमको देने लगेगा। दीन बनन की देर है दीनानाथ मतहेर। दीन माने हम अपनी अहंकार हटा दे, हम आई डू इट, मैं कुछ हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। जब मैं करेगा ना तो उसकी एनर्जी तुमसे खींचते जाएगी। जब कहेगा तुम माने परमात्मा तुम ही हो, तुम ही करने वाले हो, तुम ही देने वाले हो, फिर देखो क्या बाहर है। हर आश्रम में मेरा बंबई से लेकर दिल्ली से लेकर वहाँ बनारस तक का नाम है नागपुर से लेकर हर जगह हो रहा है नवरात्र, हो रहा है। अरे बच्चा तुम्हारे यहाँ हो रहा है, देखो वहाँ से आया नागपुर से। मैं पूछ लेता हूँ सुबह 7 बजे से 8 बजे सब आश्रम का हाल ले लेता हूँ, हाउ आर यू, दूंगा मैं अठनी नहीं लेकिन डांट जरूर लगाऊंगा। भंडारा हुआ, सब लोग खा लिया, कोई साधु आया तो विदाई दिया, तू कहाँ से दे रहे हो? दो जानते हैं कि देने वाला तो वही है, देगा कि नहीं देगा, मैं क्यों पूछूं? अब समझ गया? तब बस तुम लोग सुना है, जरा इन लोगों का भी चेहरा ले लो बच्चा, बड़ा मेहनत से सुन रहे हैं, नहीं तो कहे गुरु जी का चेहरा ले रहा, हमारा नहीं ले लो। इन लोगों का चेहरा पर 12 बज रहा है, नहीं लगा था ताली बजा हो जा रहा था। यज्ञ होता है, साधना की क्लास भी हो रही है, भंडारा भी चल रहा है, उपवास जो जैसा है, ये सब काम एक साथ कहीं नहीं होता है। तन मन धन तीनों लग रहा है। बोलो भाई कुछ बोलना है बोल दो। अब यज्ञ में चलेगा